आप बिल्कुल इस संस्था ने वो वाला कार्य किया कि चेरा पूंजी के अंदर जूता पहनाने वाली कंपनी लगा दी, जहां कोई जूता पहनता ही, क्योंकि अगर चमड़े के जूते वहां पहनेंगे तो 24 घंटे बारिश होती रहती है तो खरीदेगा कौन? हाँ साहब, लेकिन इस संस्था ने जो कार्य किया है वो इतना मजबूत कार्य किया है कि ये तो चेरा पूंजी नहीं है, ये वही लोग हैं जिनके अंदर शाम बसता है, बस इनको आज ये बताकर भेजना है कि इस वाले शाम को हमेशा याद रखना कि यही है, कहीं और नहीं है। तुलसीदास जी महाराज बार बार राम जी की आराधना करते कि आप दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। एक बार दर्शन दे भी दिए, रोजाना मंदिर में जाते, रोजाना मंदिर में जाते, विग्रह की पूजा करते, रोजाना पूजा करते, लोगों को सुनाते, लेकिन ये मन भरा नहीं। तो तुलसीदास जी ने क्या मांगा? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग। प्रभु अब अगर कृपा करनी है तो ये कर दो, जहां भी देखूं, जिसको भी देखूं, सिया राम की सूरत नजर आए। और ये तो मैं सच बताता हूं, ये तो तुलसीदास हैं। अरे रावण को भी इतना ज्ञान था, वो भी कहता था कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर है मेरा भगवान। उसने जानबूझ के सब कुछ किया। इतना विद्वान इंसान मूर्ख नहीं हो सकता, उसको तो प्रभु के चरण, जैसे केवट ने, एक केवट था जिसने प्रभु के चरण अपने मस्तक पर लगाए और एक रावण था जिसने प्रभु के चरण अपने मस्तक पर लगाए। रास्ते अलग थे, रास्ते अलग थे, पर उद्देश्य बस एक ही था। तो आइए हमारा भी उद्देश्य बस एक होना चाहिए। जब सुरों ने किया, असुरों ने किया, गंधर्वों ने किया, मुनियों ने किया, ज्ञानियों ने किया, तपस्वियों ने किया, नाग ने किया, गंधर्वों ने किया, किन्नर ने किया, अरे हमारे प्रभु के नाम ने तो पत्थरों को भी तार दिया। अब आप खुद सोचो कि ये नाम के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। तो आइए आनंद के साथ श्याम 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 sham 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 no sham 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 शरीर का भोजन जो हम खाते हैं वो है, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन आत्मा को चलाने के लिए मन के चक्कर में मत पड़ो। बस कि मन को तो वो धुने चाहिए, है ना? वो आज आप लेकर जाओगे, मैं सच बताता हूँ, लेकर जाओगे। आइए आत्मा का भजन करते हैं जो आत्मा को प्रिय लगता है। मिल करके है ना, शम 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 नो शम 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 Om Sham 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 Sam 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 s
कोई ऐसा तो नहीं है जो बोल ना रहा हो, क्योंकि आपकी ना गिनती प्रभु के दरबार में जा रही है, इसलिए कोई ऐसी जिम्मे ना हो जो बोले ना, ठीक है। हमारे बहुत सारे भजन भी ऐसे हैं जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कवियों ने कि आप नाम जप जरूर करें और प्रभु से गुहार भी लगती है। आइए मेरे पास देना ओ अपने सांवरिया के मैं करीब हूं। आप नजदीक हो ना मेरे बाबा, नजदीक हो, मुझे पता है नजदीक हो। अरे अपने सांवरिया के मैं करीब हूं, अपने सांवरिया के मैं करीब हूं, और मैं दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ, दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ। अरे अपने सांवरिया के मैं करीब हूँ, अपने सांवरिया के मैं करीब हूँ, और मैं दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ, दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ। श्याम नाम धन मैंने पाया, श्याम नाम धन मैंने पाया, और जीवन मेरा है हर्षाया, जीवन मेरा है हर्षाया। दीन कहे कहे हरि भजन बिना, और याजक के सब जीव दुखारी, याजक के सब जीव दुखारी, याजक के सब जीव दुखारी। जब हरि के नाम के बिना अगर संसार में अधूरा रहना है तो मनुष्य जन्म पाकर भी बेकार है। सीधे हाथ उठाकर मिलकर कहना, शम 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 रे, शम 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 दो, शम 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 ती, शम 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 पा, शम 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 सा, शम 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 नो, शम 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 ग्यारह, शम 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 बारह, शम 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 तेरह, शम 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 पंद्रह, शम 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 सत्रह, शम 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 अठारह, शम 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 एक, शम 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 दो, शम 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 तीन, शम 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 चार, शम 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 पाँच, शम 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 छः, शम 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 सात, शम 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 आठ, शम 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 नौ, शम 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 दस, शम 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 ग्यारह, शम 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 बारह, शम 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 तेरह, शम 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 चौदह, शम 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 पंद्रह, शम 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 सोलह, शम 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 सत्रह, शम 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 एक, शम 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 दो, शम 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 तीन, शम 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 चार, शम 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 पाँच,
Sampai jumpa.
मांग कर छोटा बन जाते हैं, इसलिए मांगना नहीं है। और अगर कोई समस्या आए भी तो उस क्या कहें बाबा को कि समस्या को दूर कर दो। अरे मैं तो कहता हूँ कि समस्या का नाम ही मत लो, क्या करते रहो वो अपने आप देखेगा क्या करना है। जब आप बोलकर किसी आराधना करते हैं, बोलकर किसी की पूजा करते हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं जो रोजाना मंदिर जाते हैं लेकिन कुछ मानते नहीं है, फिर भी चलते चलते बाद में तो कह ही देते हैं कि प्रभु जैसी व्यवस्था बना रखी है वैसी बनाए रखना, ध्यान रखना। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो जाते ही पर्ची रख देते हैं बाबा के सामने, प्रभु के सामने, कि ये भी मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बच्चे को बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे, उसकी नौकरी लग जाए, उसकी शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं ये कहता हूं कि आप नाम जपो, जो प्रभु ने भी कहा है कि मेरे नाम के अंदर नारद मेरा रूप, मेरा गुण, मेरी लीला, मेरा धाम, मेरी कृपा, मेरी दया, मेरी करुणा, भक्त की पुकार, भक्त की इच्छा, सब कुछ समाहित है मेरे नाम में। जो मेरे नाम का सहारा लेता है, जो मेरे समझ आ रहा है? अभी तक कोई ऐसी बात तो नहीं जो मैंने अपने ग्रंथ से बोली हो, वही आपके ग्रंथ हैं जो आपके घरों में रखे हैं, जो आपके पुरखों ने बोला, जो आपके गुरुओं ने बोला, जो भगवान ने बोला। ना तो आप किसी और को खराब करना चाहो कर लो, कोई बात नहीं, कम से कम अपने और अपने परिवार को मत करो। बच्चों को सिर्फ यही सिखाओ कि मांगने से तो कमजोर बन जाओगे, मांगने से कमजोर बन जाओगे, और अगर पूजा इसलिए कर रहे हो कि आपका भला हो तो भी कमजोर बन जाओगे। अगर भगवान की आराधना करनी है तो उसको प्रसन्न करने के लिए, अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए नाम जपो। क्या करो? नाम जपो। और देखिए, एक बड़े अच्छे संत हैं जिन्होंने कहा कि कुछ मांगो मत। उन्होंने एक लाइन बताई कि प्रभु जिसमें मेरा भला हो आप मुझे बस वही देना, जिसमें मेरा भला हो ना हो वो मुझे मत देना। ये फिर भी मांगने की बात थी, लेकिन जो आपने रावण के पुत्र मेघनाथ की चर्चा सुनी होगी, जिसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी और वो भी बड़ा आज्ञाकारी पुत्र भी था, लेकिन अपने पिता की बात मानने के चक्कर में उसको धर्म के विरुद्ध जाना पड़ा। वो राम के विरुद्ध जाना नहीं चाहता था। सीता रावण ने हरण करी तो उसने उसको उचित नहीं बताया, लेकिन जब अंत समय में उसने अपनी माता की आराधना करी, पूजा करी, तो भगवान हनुमान ने, हनुमान जी महाराज ने सरस्वती मैया से कहा कि इसकी ये पूजा सफल ना हो, इसकी ये पूजा सफल ना हो। ये क्या बोल दे, जो उसका हरण था, विघन हरण उसको बोलना था और उसके मुंह से बुलवा दिया गया विघन करण। विघन करण, हरण और करण में सिर्फ हा और का अंतर था और उसका सर्वनाश हो गया।
इसी प्रकार जब हम अपने हिसाब से मांगते हैं, अपने हिसाब से हम पूजा करते हैं, तो उसमें कोई गलती हो सकती है, उसका आने वाला समय, उसका पल कुछ गलत हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ नाम जपेंगे तो वो प्रभु की इच्छा रहेगी कि अब इसका मुझे भलाई भला करना, यही करना। आइए एक बार सीधे हाथ उठाकर बोल खाटू नरेश की। अरे शम 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 एक बड़ा सुंदर भजन है, बहुत बहुत सारे भक्त गाते हैं। जो हमारा मन है वो हमें भटकाता रहता है, हमें कहीं कहीं और ले जाता रहता है। इसलिए प्रभु अगर हम आपसे ना कहें कि हमारे मन को कंट्रोल करो तो कौन करेगा। तो प्रभु ने कहा कि मैंने तो बता दिया कि मेरे अगर आपने अपने मन को कंट्रोल करना है तो आप मांग कर नहीं कर पाएंगे, आप ग्रंथ पढ़कर नहीं कर पाएंगे, आप बड़े से बड़े सत्संग में जाकर अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर मन को कंट्रोल कर पाओगे तो ये 18 बार समझ लो बस यही नाम आपके जीवन में चलता रहे तो मन कम से कम गलत चीजों में कम से कम जाएगा। तो आइए एक बड़ा सुंदर भजन था, 400 देना। साथी हमारा प्रभु हमारे दुखों को दूर करो, दुखों को दूर करो, आप नहीं हरोगे तो कौन हरेगा। लेकिन इस भजन में जो मरम की बात थी वो चौथी पंक्ति में आती है, चौथे अंतर के अंदर आती है। वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें तुमने है तारा, बोलो। वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें तुमने है तारा, बताए मुरली वाले कौन सा तीर मारा, बताए मुरली वाले कौन सा तीर मारा। भगवान ने कहा भाई मैंने कोई सा तीर नहीं मारा, उन्होंने 24 घंटे मेरा नाम ही जपा, मैं क्या करूं। एक नामदेव भक्त हुए, एक बार भिक्षा में उनको 2 रोटी और थोड़ा घी मिल गया। अभी नीम के पेड़ के नीचे बैठे घी लगाकर खाने ही वाले थे कि कुत्ता आया और रोटी को लेकर भाग लिया। नामदेव उसके पीछे पीछे वो जो घी मिला था उसको लेकर पीछे पीछे भागने लगे कि प्रभु सूखी खाओगे क्या, घी तो लगवा लो प्रभु, सूखी कुत्ता आ गया इस गली से उस गली में, उस जंगल में। सुबह से शाम होगी नामदेव रुके नहीं कि प्रभु सूखी रोटी मत खाना, अगर खानी है तो घी लगा कर खाना। प्रभु वही प्रकट हो गए, भाई तो घी लगा दे मैं खा लेता हूं। तो जिन्होंने नाम जपा उनको ऐसे मिला है प्रभु। तो भजन के अंदर बड़ा सुंदर कहा गया है, कौन सा तीर मारा और भक्त तुम्हारे भक्ति करते लेते रहते नाम, तेरा लेते रहते
नाम लेते हो ईमानदारी से बताना जैसे आज निभाया जा रहा है। सच बताना, मैं जानना चाहता हूँ। ओम जय जगदीश हरे करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। जय श्री श्याम हरे करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाथ जोड़ विनती गुरु सुनियो चित लगाए, दास आगे शरण में रखियो इसकी लाज। आपने नाम संकीर्तन नहीं किया, आपने प्रभु को कुछ दिया नहीं, लाज रख लेना बाबा। शुरुआत से ही यहां वहां से शुरू हो जाते हैं और यहां तक और उसके बाद जाते जाते। अरे आप कुछ ऐसा मांगो ही मत। आप अब बड़ी क्लास में आ गए हो आज से। अभी तक जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है कविताओं के माध्यम से, चित्र दिखा 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 कर, है ना, पढ़ाया जाता है ना, सिखाया जाता है ना। लेकिन जैसे जैसे उसकी बड़ी क्लास होती चली जाती है तो फिर उसकी नॉलेज ही इतने से दिमाग के अंदर आ जाती है। तो ऐसे ही आपने रामचंद्रमानस भी पढ़ लिया, आपने गीता भी पढ़ ली, आपने शिव पुराण, विष्णु पुराण, शक्ति पुराण, आपने सब पढ़ लिए। अब आप वो कीजिए जो पीएचडी के अंदर होता है। और पीएचडी के अंदर क्या होता है? अरे भक्त तुम्हारे पूजा करते, लेते तेरा नाम, लेते तेरा नाम, काम तो उनका करना पड़ेगा, काम तो उनका करना पड़ेगा, तुम न सुनोगे तो sam 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 sam
Jump, 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 jump
जरा मन की केवड़िया खोल शाम तेरे द्वारे चढ़े जरा मन की केवड़िया खोल शाम तेरे द्वारे खड़े राम तेरे द्वारे खड़े राम तेरे द्वारे खड़े शाम तेरे द्वारे खड़े राम तेरे द्वारे खड़े शाम तेरे द्वारे खड़े जरा मुख से पूरा दे शाम बोल राम तेरे द्वारे खड़े जरा मन की केवड़िया अब सबने सुनाई सबने सुना है जरा मन की केवड़िया खोल शाम तेरे द्वारे खड़े जरा मुख से तू राधे श्याम बोल राम तेरे द्वारे खड़े सबको पता है लेकिन हमारी पूजा पद्धति बदल गई है तो आइए एक बार पुनः मुस्कुरा कर बैठे एक बार और बाबा को देखते हुए निहारते हुए कहना कि प्रभु आज अपने मन की किबड़िया हम खोल कर ही जाएंगे मिलकर कहना जम 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 बोलो खाटू नरेश की जम 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 बताने की कोशिश करी कि भजन में नाम जप क्यों करना चाहिए अभी हम ये बता रहे थे कि भजन में नाम जप क्यों करना चाहिए
सभी ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, मन को एकाग्र करने के लिए नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम के अंदर ही सारी शक्तियां समाहित है। कमर में दर्द तो नहीं है? कोई बात नहीं, थोड़ा सा झेलिएगा। मैं तो कह रहा था कि आज उपचार होने के लिए आए हैं, है ना? तो ये बोले सच्चे दरबार की। अब बात आती है कि ऋषि मुनियों ने नाम जप को तवज्जो दी, नाम जप की महिमा बतलाई, लेकिन उन्होंने बार बार एक शब्द जरूर बोला, सुमिरन। तो वो सुमिरन क्या है? वो जो सुमिरन है, वो सुमिरन है कि आप कुछ भी करें, आप अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप करें, लेकिन आपका नाम जप नहीं रुकना चाहिए। आप सो रहे हो तो भी आपका नाम जप चलते रहना चाहिए। अब बताइए, सो रहे हो तो नाम जप कैसे करेंगे? खाना बना रहे हैं तो नाम जप कैसे करेंगे? बात कर रहे हैं तो नाम जप कैसे करेंगे? टीवी देख रहे हैं तो नाम जप कैसे करेंगे? झाड़ू लगा रहे हैं तो नाम जप कैसे करेंगे? साहब, नाम जप करना बड़ा आसान है अगर आप उसको सुमिरन में ले जाएं। अब ये सुमिरन क्या है? सुमिरन है कि थोड़े दिन तक जो आज आपको कराया गया है, शाम 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 एक, ये आप बोल कर लीजिए। इस मन को आदत पड़ जाएगी। जब आप चुप बैठेंगे तो पता चलेगा कि किसी का मन बोल रहा है शाम 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 तीन, कोई 18 पे होगा, कोई 4 पे होगा, कोई 5 पे होगा, कोई 6 पे होगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके मन के अंदर वो नाम जप चल जाए, आपको कुछ करना ही ना पड़े। फिर जब आप पूजा करेंगे ना, तो आपका ये जप अपने आप चलता रहेगा। आप बात करेंगे और बात करके जैसे ही चुप होंगे तो आपका ये नाम जप चलता रहेगा, और थोड़े दिनों बाद आपको एहसास हो जाएगा कि जीवन के अंदर हम कितनी बातें करते हैं, कितना समय बेकार करते हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं, कितना समय। महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा, थोड़ी सी हंसी मजाक खटोली करता था कि भगवान एक बात कहूँ, मान नहीं रहा था। महात्मा बुद्ध अपने ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि एक बात बता, इस बात में तुझे कोई फ़ायदा है जो तू बताने वाला है? अरे नहीं, मेरा कोई फ़ायदा हो? कहते नहीं। तो फिर ऐसी बात क्यों करना चाहते जिसमें ना तेरा फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा? मैं सच बताता हूँ, थोड़े दिनों बाद हमारे यहाँ पर, एक बार हाथ खड़े करके बताना, हम सुबह हर संडे को प्रभात फेरी करते हैं, वो कितने लोग हैं जो हमारी प्रभात फेरी में आते हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताना, वो कितने लोग हैं जो अभी हमारी प्रभात फेरी में आए हैं? आइए, कोई बात नहीं, बड़ी कम संख्या है यहाँ पर, शायद वो प्रभात फेरी वाले लोग आए नहीं होंगे। अच्छा, आप तो खड़े क्यों नहीं कर रहे अपने वाले हाथ? हमारी प्रभात फेरी में जो लोग आते हैं उनमें से बहुत सारे लोग, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग, उनका सुमिरन अब शुरू हो गया है। जब वो गाड़ी में बैठते हैं ना, तो बहुत सारे लोग देखे होंगे अपने मक्खी से मारते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, गाड़ी बैक करते हैं तो कुछ करते हैं, घर से बाहर कदम रखते हैं तो कुछ करते हैं, भोले बाबा के सामने जाएंगे तो भोले बाबा की आराधना, कृष्ण भगवान के सामने जाएंगे तो उनकी, माँ के सामने उनकी। मैं कहता हूँ आप एक मंत्र पकड़ लो, जब गाड़ी में बैठो तो 18 बार कर लो। हमारे पुरखों ने कहा कि भाई खाना खाने से पहले धन्यवाद करना चाहिए, है ना? जैसे ही खाना आए 30 सेकंड लगेंगे, 30 से 35 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 35 सेकंड शाम 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 एक अपने मन के अंदर कर लो, भोग लग गया। आप पानी पी रहे हैं, पानी पीते पीते 18 कर लो। मैं तो कह रहा हूँ नहाते नहाते हर गंगे की जगह आप शाम 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 एक कर लो, ऐसे 18 करना है। आप घर से बाहर कदम रख रहे हैं तो घर से ही शुरू हो जाओ, शाम 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 जपते जपते बाहर निकलो। आपको लग रहा है कि आज कोई ऐसी विघन समस्या है जिसकी वजह से ना जाने कोई भैया कोई परेशानी ना जाए, अरे जब वो आपको कुछ सुना रहे हो तो आप शाम शाम जपते रहो। ये मत कहो प्रभु बचा लेना, प्रभु बचा लेना, अरे बचाने का काम उसका है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोर्ट कचहरी के अंदर आप खड़े हो, आपको वहां पर भी बस शाम शाम जपते रहना, फैसला अपने आप होगा, वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस नाम जपते रहिए और बोलने की जरूरत नहीं।
एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने मानसिक पूजा करते थे, किसी पूरी राज्य को उन्होंने बता नहीं रखा था कि वो आस्तिक है, लेकिन अपने मन के अंदर 24 घंटे शाम 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 की धुन लगाए रखते थे। उनकी पत्नी को एक दिन पता चल गया कि ये तो अभक्त नहीं है, ये तो नास्तिक नहीं है, और उन्होंने अपने मंत्री को बता दिया कि ये बड़ी भक्ति करते हैं, 24 घंटे अपने मन के अंदर प्रभु का नाम का जाप करते रहते हैं। लेकिन उस राजा ने कौन से सिद्धांत को अपना रखा था कि भोजन और भजन चोरी छुपे करना चाहिए, छुप कर करना चाहिए, एक ओट के अंदर करना चाहिए, है ना? तो वो उस धारणा को मानते थे। जब उनको पता चला कि पूरी सभा को ये पता चल गया, ऐसा भक्तमाल के अंदर लिखा है, जब उनको पता चला कि पूरे जनता को ये पता चल गया कि हमारे राजा तो बहुत ज्यादा प्रतापी हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो भक्ति भंग हो गई, और भक्ति भंग हो गई तो उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो ये है सुमिरन की महिमा कि अगर आप सुमिरन करेंगे, अपने मन के अंदर करेंगे, तो फिर आपको साधन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर जाएं, बिल्कुल जाएं, माथा टेकें, सब कुछ करें, आराधना करें, धूप जोड़ें, जोत जलाएं, लेकिन मन के अंदर क्या चलना चाहिए? शम 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 एक, शम 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 दो, सेवा देते हुए मिलकर कहना
Oh, Guru Sanjay Agarwal.